ऑल इनकम्स, जहाँ पे लोग मुनाफा कमाते हैं उनको अपना हिस्सा टैक्सेशन के अंदर और एक्सचेकर के अंदर डालना पड़ेगा. एवरीथिंग पॉसिबली दैट वी कैन डू वी विल डू टू इंश्योर कि हमारा ये जो ग्रोथ मोमेंटम सोलर के अंदर नज़र आ रहा है और ये क्लीन एनर्जी में नज़र आ रहा है, इसको सस्टेन किया जा सके. तो अब अगर गलियां नालियों का काम ही फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है तो उसको आपको फेडरल गवर्नमेंट में क्यों रखना है? आपके सूबों के अंदर आपके PND डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं. वफाकी हुकूमत मुंतखब होने के बाद अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. हालिया दिनों जहां एक जानब बजट में आवाम के लिए रिलीफ से मुतालिक तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानब इस मर्तबा का बजट गुज़िश्ता बजट से कितना मुख्तलिफ होगा से मुतालिक सवालात उठाए जा रहे हैं. इन सवालात समेत मईशत से मुतालिक दीगर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक मौजूद हैं. अली साहब, बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने का. सबसे पहले ये बताएं कि इस मर्तबा का जो बजट है वो माजी के बजट से कितना मुख्तलिफ होगा. पाकिस्तान की कुछ हकीकतें हैं जिनको हमें समझ के इस बजट को इवैल्यूएट करना चाहिए. देखें, आज हमारी माशी सूरत हाल इस तरह से है कि हमारे पास अगले 2-3 साल के अंदर तकरीबन 70-80 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है. तो इसलिए एक चीज़ जो हमें समझ लेनी चाहिए कि IMF की शराकत दारी बहुत ज़रूरी है कि हमने इस प्रोसेस को आगे किस तरह लेके चलना है. तो जो वफाकी हुकूमत लेड बाय मियां शहबाज शरीफ साहब इस हकीकत को तस्लीम करते हुए पॉजिटिवली IMF के साथ भी इंगेज कर रही है, उनको अपनी इंटेंट और अपनी नीयत का इजहार करें और उसके साथ साथ जो फ्रेमवर्क वो देते हैं उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान के जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जिसके अंदर तनख्वाहदार तबका है, जिसके अंदर गरीब लोग हैं जो 200 यूनिट्स की बिजली इस्तेमाल करते हैं, या जिनकी महंगाई ने पिछले 2 सालों के अंदर कमर तोड़ दी हुई है, कि एक उनको किस तरह से तहफ़ देना है, इसके साथ साथ जो आपकी जो टैक्सेशन की रिजीम है उसके अंदर आप किस तरह से इस्लाहात लेके आ सकते हैं कि उनको आप और ज़्यादा फेयरर बनाएं. ये ना हो कि कोई बोझ सारे का सारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर हो और बाकी लोग जो हैं उससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो, क्योंकि आप जानती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक अनड्यू बोझ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी कंपेरेटिवनेस लूज़ कर रही हैं, इसी तरह तनख्वाहदार तबका उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ है. तो इन चीज़ों को रिकैलिब्रेट करने के लिए आपको अपनी मईशत की डायरेक्शन चेंज करनी है. आपको कॉस्ट ऑफ नॉन कम्प्लायंस, जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, जो फाइलर नहीं बनते, उनको किस तरह से आपने प्यूनिटिव एक्शन लेना है और किस तरह से उनको आपको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन की फोल्ड में लाना है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं. एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी हम जिसके ऊपर फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं वो ये है कि कोई सेक्रेट काओ ना हो. ऑल इनकम्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली और जो आमदनी कमाता है इस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करके वो अपना ड्यू शेयर अपना टैक्सेशन के अंदर दे और इसके मुताबिक आगे ले कर चलें. जो आने वाला बजट है उसमें आवाम को रिलीफ देना किस हद तक मुमकिन है? देखें, बिल्कुल मुमकिन है अगर आप अपनी मईशत को रिकैलिब्रेट होना दें. सब्सटेंशियल एलोकेशन विल इंक्रीज इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विच इज़ अ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम. उसके बाद जो आपकी एनर्जी सब्सिडीज, मोर सो फॉर दी वल्नरेबल सेगमेंट्स, जो कम जिनकी कंजम्पशन है, जो आप जानती हैं लोअर स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी. इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपकी ये गलियों नालियों से निकल के शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान की विजन जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कमी है उनको पूरा करेंगे. बजट के बाद पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होने जा रहा है क्योंकि हालिया बयान जो है मुसद्दिक मलिक साहब का के लेवी टैक्सेस के हवाले से था, तो कितने इजाफे का इम्कान है इनमें? देखें, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी मटेरियल कोई आपको तेज़ी तेल की कीमत के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि बैन अलावामी मंडी के अंदर पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की कीमत काफ़ी गिर चुकी हुई है. अगर किसी जगह के ऊपर कोई रद्दोबदल करनी पड़ेगी तो वो ज़रूर एज़ वी गो अलॉन्ग एंड जिस तरह हमारे इन्फोर्समेंट के जो मेजर्स हैं जिसके अंदर हम लोगों को टैक्स नेट में लाने में अगर कोई स्लिपेजेस आती हैं तो शायद उस तरफ जाना पड़े, वरना वज़ीर आज़म साहब की हिदायत बड़ी क्लियर है कि ऑल रिलीफ हैज़ टू बी पास्ड ऑन टू पर्सन जो मोटरसाइकिल के लिए अपना पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है और जिसकी महंगाई ने कमर तोड़ दी. तो यानी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान नहीं है? मैं आई एम नॉट सेइंग कि जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें
क्योंकि आपने एक हकीकत के अंदर ऑपरेट करना है। अगर किसी जगह कोई रेजिस्टेंस आती है, किसी जगह पे स्लिपेजेस आती हैं, तो हो सकता है कल को जाना पड़े, पर आज तक इन द फॉरसीएबल फ्यूचर मेरा ख्याल है कि हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी या कोई चीज़ अपने पास ज़रूर रखना चाहेगी, पर मेरा नहीं ख्याल कोई अभी तक ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि एक जामे टैक्सेशन के रिफॉर्म्स इस्लाहात का एक मंसूबा लेके हुकूमत इस बजट में आएगी। क्या प्रॉपर्टी पर कोई नया टैक्स लगाने की तजवीज़ है? आपको आज इस मुल्क के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे प्रोडक्शन हो, ताकि रोज़गार पैदा हो, और इसके साथ साथ वो जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करें वो आलमी मंडी के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकें। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमने अपने पैसे जो हैं लोगों को घर में बैठ के प्रॉपर्टी के अंदर बगैर पूछे कहाँ से पैसा आए और किधर जा रहा है और क्या करना है, अगर हमने इस सिस्टम को आगे ले कर चलना है, तो फिर हम अपनी मुल्क के अंदर, अपने दुनिया के अंदर वो मकाम नहीं हासिल कर सकते जो हमें चाहिए एक्सपोर्ट अपनी प्रोडक्ट्स करके। तो डेफिनेटली मेरी जाती ख्वाहिश होगी एंड कोशिश होगी कि हम इस मईशत की ओरिएंटेशन, जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, रिकैलिब्रेशन के किसके ऊपर कितना बोझ डालना है, एंड रीओरिएंटेशन किबला ठीक करें। अगर किबला ठीक हो गया तो यकीनन हम 100 किलोमीटर शायद अगले एक साल में कवर ना कर सके। अगर हमने 10 किलोमीटर भी कवर कर लिया और किबला ठीक कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला इन कमिंग ईयर्स यू विल सी प्रोग्रेस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉट अ ग्रोथ जो एक साल ऊपर जाए, अगले साल फिर धड़म से नीचे गिर जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे गिर जाए, एंड यू रिपीटेडली गो टू IMF। सो लेट्स होप दिस बजट लीड्स यू एंड प्रोवाइड्स यू द फ्रेमवर्क के उसके बाद ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। इस डायरेक्शन के लिए जो फैसले होंगे, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियर हदायत है कि हमें उस रस्ते पर चलना है, रिगार्डलेस ऑफ द पोलिटिकल कॉस्ट आपके सामने है। सो नए टैक्सेस लगाने की प्रॉपर्टी पर तजवीज़ है या नहीं? आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि उस पर जो है काम किया जा रहा है या काम। ऑल इनकम्स जहाँ पे लोग मुनाफा कमाते हैं, उनको अगर इस मुल्क में मुनाफा जनरेट करने के मौके मिलते हैं, उनको अपना हिस्सा टैक्सेशन के अंदर और एक्सचेकर के अंदर डालना पड़ेगा। जब तक वो नहीं डालेंगे, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से हो, तो मजबूरन आपको जाके दवाइयों की कीमत के ऊपर, दूध की कीमत के ऊपर, और PDL पेट्रोल की कीमत के ऊपर, बिजली की कीमत के ऊपर लगाना पड़ेगा, जिसका अनफेयर बोझ एक गरीब आदमी पे पड़ेगा। तो मुझे बताएं, क्या किसी आमदनी को, प्रॉपर्टी की आमदनी को, या स्टॉक्स की आमदनी को, या मेरी फैक्ट्री की आमदनी को, या आपकी तनख्वाह की आमदनी को, किस तरह से मुख्तलिफ है? इट इज़ नो डिफरेंट। मैं ना किसी एक सेक्टर के हक में कुछ कहना चाहता हूँ, ना उनके खिलाफ, बिकॉज दैट इज़ अ डिसीजन दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर विल टेक व्हेन दे अनाउंस द बजट इंशाल्लाह ताला ऑन 12th of June दिस ईयर। अच्छा, ये बताइएगा कि IMF से मुज़ाकरात की क्या शरायत हैं, जो प्रोग्राम है, और साथ साथ अब तक होने वाले जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोई शरायत नहीं है। IMF आपको क्या कहता है कि आप इस चीज़ का एहसास करें कि यू हैव बीन लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, एंड उसकी वजह से जब भी आप क्रेडिट कार्ड पे अपनी ग्रोथ दिखाते हैं या अपने उधार के पैसों पे अपनी ग्रोथ दिखाते हैं, तो आपके यू रन आउट ऑफ डॉलर्स एंड देन यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस एंड यू हैव टू कम बैक टू अस। तो हमें बहसियत कौम इस चीज़ को देखना है कि वो क्या तरीके कार है जिससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकें, विच ब्रिंग्स यू टू द टॉपिक ऑफ इस्लाहात एंड रिफॉर्म्स। यू विल सी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस within the confines of the constraints that we are operating in, because agar aap kahe ki x amount aapne itna zyada tax target kyu rakh liya ya itna isko itna kam kyu kar diya aur ye kyu nahi kiya, to aapko IMF framework mein operate karna hai, because at no cost can you risk your relationship with IMF today, because agar aapne khuda na khasta wo ki to you will again drift back towards the environment jo aapko pichle saal June mein nazar aa rahi thi। ये बताइएगा कि दिफाई बजट जो है दिफा का, उसमें कितना इजाफा ज़ेरे गौर है, और अगर इजाफा नहीं हो रहा या हो रहा है तो कितना? देखिए, सबसे पहले तो हमें मेरे ख्याल से अपनी जो अफवाज है उसको इस चीज़ पे सराहना चाहिए। उन्होंने पीछे जो दो साल उन्होंने काफ़ी की अपना जो रिस्ट्रेंट और काफ़ी फिस्कल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, और उन्होंने अपना बजट कोई मटेरियल अंदाज के अंदर नहीं बढ़ाया। तो इस दफ़ा कोशिश होगी कि खित्ते के अंदर कोई बैलेंस रखते हुए जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आफ्टर ऑल यू हैव हॉट बॉर्डर्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल साइड्स ऑफ योर कंट्री, तो उसके मुताबिक देखते हुए एक मुनासिब और रीजनेबल उनको इजाफा देने की भरपूर कोशिश। तो अंदाजन दिफाई बजट जो है वो कितना होगा, क्योंकि कई अफराद ये कहते हैं, कहा जाता है कि तालीम के मुकाबले में दिफा का बजट जो है ज़्यादा होगा। आई थिंक दोनों का कोई बैलेंस नहीं है। डिफेंस जो है इज़ अ फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और जो जो एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सोशल सेक्टर है आर प्राइमरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, तो क्यूमुलेटिवली आप देखेंगी तो मेरे ख्याल से फिर वी कैन अराइव एट अ रीजनेबल नंबर। बट मैडम मेरी गुजारिश ये है कि इन नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जानती हैं आपके इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है, अगर आप चाहती हैं कि हम बिल्कुल लेट गो कर दें ऑफ आर डिफेंस इंटरेस्ट, तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, हालिया दिनों जो सोलर सिस्टम है उस पर टैक्स लगाने से मुतालिक जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसका कोई प्लान है? टैक्स टूक्स का मुझे नहीं पता जी, बट मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि रिन्यूएबल्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ रिन्यूएबल्स क्या कहते हैं इन द एनर्जी बास्केट आर सब्जेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हार्ट, तो हम इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे कि इन 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 रिन्यूएबल्स की इंडक्शन इन टू द ग्रिड किसी तरह डिसएडवांटेज पर ना जाए। तो यानी इस पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा? दो दिन रह गए, वेट करें आप देखें उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। क्योंकि जो माजी में क्योंकि खबर एक खबर ये भी चली थी कि घरेलू सार्फीन पर टैक्स लगाने के बजाय कंज्यूमर सर्विसेज, बेबुनियाद खबरें सोशल मीडिया में चलती रही। मैं एक जिम्मेदार आदमी आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, हमें ये जो सोशल मीडिया के अंदर जो यहाँ पे रूमर मॉन्गरिंग है जिसके अंदर बड़े बड़े जर्नलिस्ट झूठी खबरें और ये खाम खा की अपनी सट्टेबाजी के अंदर मार्केट्स को मूव करने के लिए झूठी खबरें चलाते हैं, इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। लेट अस वेट फॉर वन मोर डे, इंशाल्लाह ताला जो हमारी जो हकीकतें हैं जो हमारी मजबूरियाँ उसके अंदर रहते हुए आपको एक अच्छा बजट मिलेगा जिसके अंदर आपको थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी नजर आएगी। क्या मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई प्लान है? एवरीथिंग पॉसिबली दैट वी कैन डू वी विल डू टू इंश्योर कि हमारा ये जो ग्रोथ मोमेंटम सोलर के अंदर नज़र आ रहा है और ये क्लीन एनर्जी में नज़र आ रहा है इसको सस्टेन किया जा सके। बट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो गिव मी दैट कंसेशन, बट मैं आपको कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है ये सब्जेक्ट। PWD को ख़त्म करने की क्या वजूहत हैं और इस मुलाजमीन का PWD से जो मुंसलिक है उनका क्या बनेगा? वो एक स्पेशल कमेटी बन गई है और उसके मुताबिक जो मुलाजमीन है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसका जो ख़त्म करने का जो आइडिया है वो ये है कि आपने वफाकी हुकूमत का फुटप्रिंट कम करना है क्योंकि ये चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं, तो अब अगर गलियां नालियों का काम ही फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है तो उसको आपको फेडरल गवर्नमेंट में क्यों रखना है? आपके सूबों के अंदर आपके PND डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, आपके सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज मौजूद हैं, वो वहाँ से ये काम होगा। अगर आपने खर्चा कम करना है तो यू विल हैव टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस वेदर इट इज़ रिड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजिंग एंटरप्राइजेस, तो इसके मुताबिक हम चलता रहेगा काम आगे। कुछ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि रनिंग कॉस्ट तो दे रहे हैं बट वो काम उस तरह से नहीं कर रहे, तो क्या बजट में या वैसे प्लान किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करने का? किस प्रोजेक्ट्स की बात? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सूबों के पास भी होते हैं वफाक के पास? बिल्कुल, ये रिव्यू का प्रोसेस चल रहा है कि जो आपके फिजिकल जो फेडरल डेवलपमेंट बजट के अंदर प्रोविंशियल नेचर के सब जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको सूबे के साथ मिलकर या उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर किसी प्रोजेक्ट के 50% पैसे खर्च हो गए तो आप उसको बिल्कुल वेस्ट पे भी नहीं होने दे सकते। सो इट्स ए फाइन बैलेंस जिसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई हुई है एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो उसको रिव्यू हो रहा है और उसके मुताबिक काम होगा उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया।